नमस्कार। सो यू नो अभी तो आज फरवरी ही चल रहा है, फरवरी 24, और हमारे पास तो काफ़ी क्लाइंट जुड़ चुके हैं और कुछ क्लाइंट्स ये बताते हैं कि सर दूसरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वही है कि फलाना कॉलेज में कन्फर्म एडमिशन, अमृता फरीदाबाद में कन्फर्म एडमिशन, हमदर्द में कन्फर्म एडमिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर खैर जो बेचारे मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं समझा देता हूँ, और कई फ़ोन आते हैं जो 2500-5000 रुपये देने के चक्कर में फिर आगे बात नहीं करते और बेचारे बाद में शायद कहीं फंस जाते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं या सीट ख़राब हो जाती है या साल ख़राब हो जाता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ और ताकि जिसको भी ये देख के समझ में आ जाए। मैंने वैसे इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए समझने की। और दूसरा यही है कि एटलीस्ट यू नो हम इस काउंसलिंग में बहुत सालों से हैं, जितने चेंजेस पिछले 3 साल में हुए शायद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। तो 2024 में क्या हो जाए भगवान जाने, ठीक है, लेकिन 2021-22-23 में सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं वो मैं क्यों आपको इकट्ठे एक समरी में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कभी एक बार जो आपकी भी गलती नहीं होती, जैसे पेरेंट है, पेरेंट का एक फ्रेंड होगा जिसके बच्चे का एडमिशन हुआ था 5 साल पहले 2018 में, या फिर एक और फ्रेंड था जिसका एडमिशन हुआ 2021 में, ठीक है जी। अब 2021 वाला अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बातें बता रहा है जो उनको नॉलेज मिली होगी तब। और अक्सर आप भी देखेंगे जब आप इस पूरे एक साल को गुजरते हैं ना अपने काउंसलर के साथ, तो आधे काउंसलर या 25 बड़े काउंसलर तो आप ही बन जाते हो, तो उसी नॉलेज के हिसाब से फिर आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को बता देते हो और वहीं गलतियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक मोटा मोटी और सेम वीडियोज़ ना मेरे चैनल पर आपको बहुत मिल जाएंगे। जब 2023 आया था तो हमने बनाया था कि जो जो नए नए रूल आए थे MCC का, जो फॉर्म ब्रोशर निकलता है नीट के रिज़ल्ट आने के हफ्ते बाद, लेकिन इसलिए मैं 2023 को रिवाइज कर रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि 2023 में एंड तक आते आते क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना जब आप 2024 में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं हमेशा हर वीडियो में आपको समझाता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब आप ना ये समझिए, हिंदुस्तानी कॉलेजेस को ऐसे दो भागों में बांटी है, एक कॉलेज जो सेंटर के अंदर आते हैं, एक कॉलेज जो स्टेट्स के अंदर आते हैं। ये मेरी डेफिनेशन है और ये ना आपको समझने में आसानी होगी। तो सेंटर के अंदर भी सरकारी जी सरकारी, पी प्राइवेट, स्टेट के अंदर भी जी गवर्नमेंट पी प्राइवेट, ठीक है। सब जानते हैं सेंट्रल के गवर्नमेंट एम्स, जिपमर, BHU, करेक्ट, सारे एम्स, सिपमर, BHU, ये हो गए सेंटर के सरकारी। 100% सीटें हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए अवेलेबल है रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए, रिजर्वेशन का ध्यान के अलावा। पर ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली है तो कोई एम्स की रिजर्वेशन है, करेक्ट। इसी तरीके से हिंदुस्तान के 51 कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि जिनके अंदर कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है। वैसे अब ना एक टेक्निकल स्पीकिंग कस्तूरबा जमशेदपुर में है तो उसको फिलहाल छोड़ दो। उसके अलावा बाकी सारे जो कॉलेज है जिनकी काउंसलिंग MCC बॉडी कराती है, इंसिडेंटली वो सारे डीम्ड है ही हैं, क्योंकि जब वो केंद्र सरकार के अंदर आ रहे तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो आते नहीं है, तो उनकी काउंसलिंग MCC कराती है। इनमें कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता। इन सब कॉलेजों में 85% सीटें होती हैं मैनेजमेंट, 15% NRI, तो इसमें हर सीट मैनेजमेंट होती है और 15% NRI, और ये NRI कौन सा, ब्लड रिलेशन, जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि भाई बच्चा का या बच्चा खुद NRI हो तो बात ही अलग है, लेकिन बच्चे के पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, पापा के सगे भाई बहन, सगे भाई बहन मतलब चाचा ताऊ बुआ, मम्मी के सगे भाई बहन, मामा मौसी, इनमें से एक NRI होना चाहिए और वो आपको NRI स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। 85% 15%, चाहे ये अभी कौन से डीम्ड है, 51, अगर हम जल्दी जल्दी देखें नॉर्थ से स्टार्ट करें, मतलब डीम्ड जो इसमें आते हैं MMU बुलाना। अब देखिए MMU के तीनों कैंपस डीम्ड है अपने आप में, MMU सोलन भी डीम्ड है, MMU साधोपुर भी डीम्ड है, MMU मुलाना भी डीम्ड है, लेकिन MMU मुलाना ही काउंसलिंग MCC करता है। MMU साधोपुर की काउंसलिंग स्टेट प्राइवेट हरियाणा के अंदर है, MMU सोलन की काउंसलिंग स्टेट प्राइवेट हिमाचल के अंदर है। तो वो दोनों तीनों क्वालिटी में
बिहेवियर में डीम्ड है, लेकिन एक हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग में आएगा, एक हिमाचल की और एक डीम्ड की। तो जो हरियाणा स्टेट में आता है उसमें हरियाणा का रिजर्वेशन लगती है, हिमाचल वाले में हिमाचल के रूल लगते हैं, रिजर्वेशन इज नॉट द राइट वर्ड, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगती, इसमें कोई कैटेगरी रिजर्वेशन भी नहीं होती, 85% से सीट सबके लिए होती है। हाँ, इन 85% में ये ज़रूर है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमदर्द मुस्लिम माइनॉरिटी, एक येनोपोला मुस्लिम माइनॉरिटी है बेंगलोर में, एक SKBS वडोदरा जैन माइनॉरिटी है, और बस यही है जो कि थोड़ा सा माइनॉरिटी में आते हैं। बाकी अमृता फरीदाबाद, अमृता कोची, संतोष गाजियाबाद भी इसमें आता है, फिर सारे के सारे महाराष्ट्र के, दोनों भारतीय विद्यापीठ, तीनों DY पाटिल, दोनों दत्ता मेघे, रूरल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर, MGM के तीनों कैंपस जो दो थे और पिछले साल तीसरा आया था, वो सब इसमें आते हैं। फिर कर्नाटका के सारे JSS, JLN बेलागावी, कस्तूरबा के दोनों कैंपस, और वो जगतगुरु हुबली, फिर तमिलनाडु के फेमस सत्या, भारत, SRM, श्री रामचंद्रा, मीनाक्षी मेडिकल, तो ये सब इसमें आते हैं। ठीक, इसमें 15% NRI। अब चेंजेस क्या हुए 2022 में? बड़ा चेंज आया कि ये जो सीटें थी ना, ये राउंड 3 के बाद राउंड 4 में जाके NRI से नॉर्मल सीट बन जाएगी, अगर तब तक NRI नहीं मिला। ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो राउंड, तो बहुत खुशी की बात थी भाई। तो होता क्या था, कुछ ये वाले कॉलेज जब राउंड 4 में, देखिए किसी के पास 150 सीटें हैं तो 22 सीटें होती थी ये वाली, किसी की 2 भरी, किसी की 3 भरी, कस्तूरबा जैसों को पूरे 23 मिल जाते NRI। तो चौथे राउंड में फिर ये सीटें नॉर्मल सीट बनती थी, और अब यही सुनते थे कि मैनेजमेंट से बात करके हमको वो सीट चौथे राउंड में, जो कि कॉलेज में होता था, आपको प्रायोरिटी पे साइड डोर से मिल जाती थी। लेकिन 2023 में ये जो चौथा राउंड है, ये भी ऑनलाइन हुआ है, ये पूरी की पूरी काउंसलिंग चौथे राउंड तक ऑनलाइन हुई, जिसकी वजह से बहुत सीटें ख़राब हो रही थी, और इसलिए पांचवा राउंड भी सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल परमिशन के बाद किया गया था। बस सुप्रीम कोर्ट ने पहले फोर्थ राउंड ख़त्म कराया था 30 सितंबर, और फिफ्थ राउंड किया गया, और चूंकि फोर्थ राउंड भी ऑनलाइन था, इसलिए रूल भी लगाया गया कि फोर्थ राउंड में जो सीट लेगा और नहीं ज्वाइन करेगा, वो नीट 2024 में नहीं बैठ पाएगा। तो लोगों तो नहीं की, फिर भी कुछ सीटें ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि जो राउंड 4 में यहाँ बैठा था, उसने स्टेट के राउंड 4 में भी सीट ले ली और वहाँ चला गया, फिर भी यहाँ सीटें ख़राब हो रही थी बहुत सारी। और फिर राउंड 5 का स्पेशल राउंड भी किया गया, वो भी ऑनलाइन किया गया था, फिर भी लास्ट में 2-4 सीटें ख़राब तो हो भी सकती हैं। ठीक है, तो समझ रहे कैसे कैसे रूल बदले। 23 में मॉपअप वर्ड हट गया, तो 22 तक मॉपअप कौन लोग, ये था राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप। तो अगर आपने राउंड 2 में सीट लेके ज्वाइन कर लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, पर अब राउंड 3 को राउंड 3 बना दिया गया मॉपअप छोड़ के। इसका मतलब ये था विद इन सेम काउंसलिंग, जैसे अगर आपने राउंड 2 में हरियाणा में फीस जमा कराई है तो हरियाणा के राउंड 3 में आप भर सकते हो अपग्रेड के लिए, और चूंकि राउंड 3 हो रहा था तो आप विड्रॉ भी कर सकते थे। तो राउंड 2 में आपने हरियाणा में ले लिया, लेकिन राउंड 3 में आपको MCC काउंसलिंग में बेटर सीट मिल गई आपकी चॉइस की, आप यहाँ आ गए, वहाँ से आपने विड्रॉ कर लिया, तो फिर से कॉम्प्लिकेशन आ गई जो 2022 में नहीं थी। 2022 में तो राउंड 2 में जो सीट आपने ज्वाइन कर ली, फिर आप काउंसलिंग के बाहर हो गए। 23 में इस रूल को बल्कि रिलैक्स कर दिया गया, राउंड 2 से राउंड 3 ऑप्शन कर दी गई, राउंड 3 से फिर राउंड 4 स्ट्रे, तो स्ट्रे रहा पर स्ट्रे कॉलेज लेवल पर ना होके सेंट्रल ऑनलाइन हुआ इसमें। अब आ जाओ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट प्राइवेट। तो जो मैंने कई बार कहा, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं आपके सारे मशहूर। अब दिल्ली का एग्जांपल लें तो मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, UCMS, हरियाणा का एग्जांपल लें तो PGMS रोहतक, कल्पना चावला, ये सब हरियाणा स्टेट। यूपी की बात करें तो KMU लखनऊ और जितने भी है, LL मेरठ, ये सब हो गए स्टेट। और सिमिलरली स्टेट प्राइवेट, तो उत्तराखंड का फेमस स्टेट प्राइवेट जॉली ग्रांट, मैं लिख रहा हूँ बाकी अपना सुनना ही मुझे ज़्यादा है, लिख के समझ में नहीं आएगा, श्री गुरु राम राय, गौतम बुद्धा, तीन है ना उत्तराखंड में स्टेट प्राइवेट, तीनों के तीनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीनों के तीनों आपको डीम्ड डिग्री देती हैं, अपनी पढ़ाई अपनी डिग्री। लेकिन चूंकि इन तीनों के अंदर उत्तराखंड का स्टेट कोटा लगता है कुछ बच्चों के लिए, या ये उत्तराखंड स्टेट ने इनको जमीन दी होगी, इसलिए ये काउंसलिंग होती है थ्रू उत्तराखंड स्टेट प्राइवेट, उत्तराखंड कॉमन। तो ये भी डीम्ड है, ये भी डीम्ड है। तो जो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि डीम्ड में पढ़ाई अच्छी होती है, डीम्ड में फ़ायदा होता है, तो भाई ये सब भी डीम्ड ही है, समझे। उत्तर प्रदेश की तीर्थंकर महावीर भी डीम्ड ही है, वो भी अपनी डिग्री दे रही है आपको,
और राजस्थान की तकरीबन सारी डीम्ड है, सारी अमेरिकन अनंता को छोड़ के ए टू जेड अपनी डिग्री दे रहा है। तो राजस्थान की भी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, MGM जयपुर, गीतांजलि, पैसिफिक, NMMS, JNU, सब डीम्ड है, या वो भी डिग्री देते हैं। क्लियर हो गया? तो अब जैसे मैंने बोला, रूल्स बहुत बदल रहे हैं। ये राउंड चार भी ऑनलाइन हुआ, जो 3 साल पहले तक ना ये ऑफलाइन होते थे। सोचिए, चौथा राउंड ऑफलाइन होता था, तो अगर 12 एम्स थे तो 12 का 12 इकट्ठे हो रहे हैं डीम्ड के बाद, मेरे सामने के बाद 2022, 3 दिन का टाइम में 51 अलग अलग जगह ऑफलाइन हो रहे हैं। और सीटें भी 2022 तक तो 21 तक तो बहुत सीट होती थी, जब राउंड 3 के बाद कन्वर्जन होती थी तब एक्चुअली एक एजेंटों का भी काफ़ी रोल था, मैं सच बताऊं। क्योंकि हमें पता होता था कि भाई JSS मसूर में 12 सीटें हैं, राजराजेश्वरी में इतनी सीटें हैं, SRM में इतनी सीटें हैं, भातरीट पुणे में इतनी सीटें हैं। और चूंकि सारे राउंड इकट्ठे ही हो रहे हैं 2-3 दिन के गैप में और सब ऑफलाइन हो रहा है, तो एक बच्चे को हर जगह तो बच्चा पहुँच ही सकता है ना। तो हम गाइड करते थे कि अब कहाँ जाओ तो आपको सीट मिलेगी। अब वो काम, वो प्रोसेस ख़त्म भी हो गई है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो अब घर बैठे बैठे कंप्यूटर पे कर सकते हो। राउंड 4 भी जो 2022 तक ऑनलाइन था, वो सॉरी ऑफलाइन था, वो 2023 में ऑनलाइन कर दिया गया। तो मामला ख़त्म हो गया, मामला चेंज हो गया। तो जब काउंसलिंग होती है, एक MCC काउंसलिंग करता है, जो इन कॉलेज ही करता है, इन कॉलेज ही करता है। और हमें पता है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट की 15% सीटों की करता है, जो ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं, बाकी हर स्टेट का 85%, और उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज उस स्टेट काउंसलिंग में होता है। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो इकट्ठे 25 से 26 काउंसलिंग इंडिया में चल रही होती है, एक इसकी और एक हर स्टेट की। हरियाणा स्टेट अपने 85% सरकारी सीटें और अपने प्राइवेट कॉलेजों की सारी सीटें, उत्तर प्रदेश 85% सरकारी सीटें, सारे प्राइवेट कॉलेज की सीटें। फिर आता है खासकर, देखिए ये रूल तकरीबन सेम है, ये रूल मैंने बताया दिया सबके लिए सेम ही है, ये सबके लिए सेम है। स्टेट प्राइवेट्स में आके होता है जो भयंकर चेंजेस होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में 85% हर स्टेट के पास है, स्टेट डोमिसाइल के बच्चे हो गए, और कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लाख रुपये साल से ऊपर फीस है ही नहीं। बट स्टेट प्राइवेट में देर आर ह्यूज डिफरेंसेस। तो पंजाब स्टेट प्राइवेट क्लोज है, सिर्फ पंजाब के बच्चे आ सकते हैं, सब्सिडाइज फीस है, 4 लाख रुपए साल की फीस है, 2 तरह की सीटें, 10 लाख, 11 लाख और 4 लाख। हरियाणा कोई सब्सिडी नहीं है, आपको पूरी फीस देनी है। तो 3-4 कॉलेजों में 12-13 लाख जाएगी, 2 में अब SGT और साधुपुर में 19 लाख रुपए साल की फीस जाएगी। बट हरियाणा ये करता है कि आधी सीटें हरियाणा स्टेट का मेरिट अलग बनेगी, नॉन हरियाणा की अलग बनेगी। हरियाणा स्टेट में भी 15% NRI सीटें हैं, जो सेम रूल फॉलो करती है ब्लड रिलेशन वाला, और वही राउंड 3 में वो सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं जो पहले राउंड 4 में होती थी। उत्तर प्रदेश में लेकिन कोई NRI सीट नहीं है, उत्तराखंड में कोई NRI सीट नहीं है, राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में NRI सीट है, प्राइवेट कॉलेजों में कोई NRI सीट नहीं है। बट राजस्थान के अंदर भी प्राइवेट कॉलेजों में 2 तरह की सीट होती है, स्टेट कोटा और नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा। लेकिन सिर्फ शब्दों का खेल होता है, मैनेजमेंट सीट उसका, इसमें हर सीट ही मैनेजमेंट है, उसमें चूंकि 2 तरह की सीटें बनानी है, तो बना एक को स्टेट लिख दिया, एक को मैनेजमेंट लिख दिया। फ़र्क होता है सिर्फ फीस का, क्योंकि मैनेजमेंट की फीसें स्टेट वाले से और ज़्यादा है। कोई भी कॉलेज पकड़ लो, अगर स्टेट कोटा की फीस 20 लाख रुपये साल है, तो मैनेजमेंट कोटा की 26 लाख रुपये साल है, 27 लाख रुपये साल है, वो फ़र्क आ जाता है। 2 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, जहाँ पर NRI फ्रॉम ए गार्जियन चल जाता है, बाकी हर जगह NRI फ्रॉम ब्लड रिलेशन ही चाहिए होता है। जैसा मैंने कहा कि 2023 से मैं एक्सपीरियंस बताऊं, तो सब कुछ काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया था। आपको मेरिट से सीट मिल रही है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्म आपने भरना है, कौन सा नहीं भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो सारी जो 8 बज गई थी वो चॉइस फिलिंग की बज गई थी, कॉलेज के हाथ में बहुत कम रह गया था। क्योंकि जब सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है तो कॉलेज क्या करेगा, तो कॉलेज से संपर्क करना कि हम उस कॉलेज को जानते हैं, हम उस अथॉरिटी को जानते हैं, ये सब जो बातें आपको फ्रॉड बताते हैं ना, वो सब फ्रॉड होता है। तो 2023 में 3 जगह जहाँ पर राजस्थान ने, सिर्फ एकमात्र स्टेट था पूरी इंडिया में जिसने राउंड 3 भी अपना ऑफलाइन किया था जयपुर में, तो राजस्थान था जहाँ पर जयपुर में राउंड 3 हुआ था। और राजस्थान में क्या होता है, राउंड 1 और 2 तक सिर्फ राजस्थानी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो राजस्थान में राउंड 3 में 9 राजस्थानी पहली बार आते हैं, और तब आपको राजस्थान के टॉप कॉलेजेस कम मार्क्स से मिल जाते हैं, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि
कि तब तक बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके होते हैं। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि NRI की सीटों में गार्जियन भी चल जाता है, मतलब ब्लड रिलेशन के बिना भी चल जाता है। मैं कर्नाटक स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल जो कर्नाटक का फॉर्म निकला हुआ था जिसकी आज लास्ट डेट है भरने की, क्योंकि मुझे ये भी फ़ोन आया कि सर क्या इस बार कर्नाटक अपना सीट ही लेगा। तो देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, इन सब में क्या होता है, जैसे हम दिल्ली बैठे हैं, हरियाणा में हो, तो जो मुझसे डाउट पूछते हैं, मैं कहा भाई उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकारी नॉर्मल सरकारी डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज है लखनऊ में, वहाँ एडमिशन कैसे होगा? कहते सर मेरिट से होता है। मैं कौन सी मेरिट? कहते 12वीं के नंबर। तो मैंने कहा फिर बच्चा बस वहाँ जाकर एडमिशन लेते हैं, और लेट से लखनऊ का बच्चा कानपुर जाना चाहे तो, कानपुर का बच्चा इलाहाबाद जाना चाहे, उन्हें खुद नहीं पता था। तो होता क्या है, हर स्टेट में MBBS के अलावा भी तो दर्जनों कोर्स कराए जाते हैं। अब कर्नाटका की स्टेट को, कर्नाटका के बच्चों को लॉ में, आर्किटेक्चर में, उस तरह के कोर्सेज में भी तो सीट देनी है ना, ट्रांसपेरेंटली देनी है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो वो अपना एक प्रोसेस है उनको, जिसको वो कर्नाटका स्टेट बोलते, काउंसलिंग बोलते हैं, उसी का नाम CET हो गया, जो इसलिए वेबसाइट है मेन कर्नाटका की या केरल की या महाराष्ट्र की, वो कॉमन वेबसाइट है उनके सारे कोर्स के लिए। सारे कोर्स के अंदर एक कोर्स है MBBS, और MBBS यूनिक कोर्स है, इंडिया में हम सभी जानते हैं। तो MBBS में हम बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लास्ट ईयर तक हम यही फॉर्म नीट के आने के बाद भरते थे, बट कर्नाटका ने इस बार क्या करा है, अभी भरवा लिया है। बट बाकी लॉजिक सेम ही है, एडमिशन आपका नीट के थ्रू ही होगा, रिजर्वेशन फीस वैसी है जैसी फिलहाल 2023 में थी, कि वही कर्नाटका में जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं लाइक MS रामिया, कैंपे गौड़ा, विदेही, जो कर्नाटका के और हो गए, BGS हो गया, अंबेडकर हो गया, फादर मुलर हो गया, जो भी उनके तीन तरह की सीटें होती है ना, कि एक कर्नाटका डोमिसाइल के लिए, एक बाहर वालों के लिए, और एक IQ जो मैनेजमेंट कोटा होता है 40 लाख रुपये, 35 हज़ार रुपये साल की फीस वाला, वो सब लॉजिक सेम है। एज ऑफ नाउ प्रोसेस सेम है काउंसलिंग की जो 2023 में हुई थी, क्योंकि जो लास्ट ईयर हुई थी हम उसी को मानेंगे ना। सो 2023 में कर्नाटका में भी राउंड 3 भी नहीं 4 भी ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि 2022 तक कर्नाटका में भी राउंड 3 ऑफलाइन होता था, और फिर आपको बहुत सारे एजेंट कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो अब वो भी ऑफलाइन होने लगा है। सो इस समय जो रोल के, देखिए अदर देन मेरिट सीट में हमेशा कहता हूँ रोल क्या रहेगा, एक ईमानदार कंसल्टेंट या काउंसलर का, अदर देन गेटिंग यू अ सीट फ्रॉम मेरिट एंड काउंसलिंग। सो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वे चार तरह के काम करते थे करियर काउंसलर या MBBS काउंसलर। एक, मेरिट से फॉर्म भर के आपको बेस्ट ऑप्टिमल सीट दिलवाना इस सारे गुंजल और गुथियों के बीच में से निकलते हुए, ठीक, जो हम करना है, मैं करके खुश होता हूँ या मुझे करके सबसे सुकून मिलता है। नंबर दो, जो एजेंट लोग होते थे जो आपको ये वाला जुगा या इस तरह के राउंड 4 में आपको किसी कॉलेज में बात करके ऑफलाइन राउंड में आपको सीट इंश्योर कराई जाएगी, वो हम भी करवाते थे, मुझे खुद करना पसंद नहीं था कभी भी, लेकिन ठीक है मेरे क्लाइंट्स ही कहते थे तो हम उन एजेंट्स को जानते थे जो कॉलेजों को जानते थे, काम करवाए थे। नंबर तीन हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप में से कोई किसी के पास NRI के पेपर नहीं है, मैं ब्लड रिलेशन के तो देखिए नकली नहीं बन सकते ना, लेकिन आपको गार्जियन भी चाहिए, आप फीस देने को तैयार हो, बट आप खुद किसी को नहीं जानते, तो हमने हेल्प कर दी आपको गार्जियन ढूंढने में जो आपको NRI स्पॉन्सरशिप दे देगा कर्नाटका मध्य प्रदेश के केस के लिए। और राउंड 4 सबसे बड़ा चलता है नेगोशिएशन। देखिए वही जो कर्नाटका की महंगी सीट है 40 लाख रुपये साल की फीस, सेम बाई चांस सेम ही स्टेट है मध्य प्रदेश 40 लाख रुपये साल की फीस, राजस्थान का पिम्स उमरदा 35 लाख रुपये साल की फीस, ये सब MRP लिखा हुआ है, तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटीज 26-27 लाख रुपये साल की फीस जो उनकी वर्थ नहीं है, बंगाल के कॉलेजेस 22 लाख रुपये साल की फीस। तो इन कॉलेजेस ने क्या कर रखा है, MRP लिख रखा है बहुत बड़ा, कुछ बच्चों को शुरू में ये MRP पर एडमिशन दे देते हैं, और जब इनको लगता है कि सीट्स खाली जा रही हैं तो ये हमारे थ्रू कंसल्टेंट्स के थ्रू नेगोशिएटेड फीस भी आपको दे देते हैं। कभी कभार जैसे मैंने बोला उल्टा भी होता था कि डिमांड ज़्यादा है तो फीस बढ़ती, फीस कभी आप MRP बढ़ा तो सकते नहीं काउंसलिंग के दौरान। तो 2023 में क्या हुआ, राउंड 2 के बाद तमिलनाडु के या मॉडल चली की 3-4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को लगा कि हमारी बहुत सीटें खाली जा रही हैं, तो वो दबा के आपको मैसेज आ जाओगे पैकेज कि टोटल मिला के 90 लाख में 95 लाख में जो 25 करोड़ की वैसे बनती थी। पर जब राउंड 3 में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया, उनकी सीटें भर गई, तो उन्होंने राउंड 4 में वो सारी डिस्काउंट्स ख़त्म कर दिए।
अब मेरे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर महीना पहले तो आप 90 में काम करा रहे थे, अब पूरे 25 मांग रहे हो। अरे भाई, उसके बाद 150 सीटें थी, उस समय उसकी 30 भर के 120 खाली थी, अब उससे खाली 4 ही खाली हैं। उसको पता है कि मेरी भर जाएंगी, मुझे क्या जरूरत है डिस्काउंट देने की। तो कुछ इंडिया में टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कस्तूरबास, चौली ग्रांड, MGM जयपुर, शेरा मूर्ति बरेली, तीर्थांकर मुरादाबाद, MMU मुलाना, CMC लुधियाना, दयानंद, कुछ नाम ले रहा हूँ, अरबिंदो, RD उज्जैन, कुछ शान टॉप क्लास, रियली टॉप क्लास हैं, कुछ अबव एवरेज हैं, शारदा, रोहिला खंड, मुजफ्फरनगर मेडिकल, कुछ एवरेज हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं और कुछ बिल्कुल धरती पे बोझ हैं। अब जो बिलो एवरेज, जो धरती पे बोझ है, उनके अप्रोच अलग होती है, जो टॉप क्लास है उनकी एवरेज अप्रोच अलग होती है। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बस बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। 23 फरवरी 2024 का ये वीडियो है, विवेक गुप्ता मेरा नाम। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि MBBS एजेंट तो मुझे बिल्कुल मत कहिए, MBBS काउंसलर से बढ़ के हम करियर काउंसलर हैं, और वही कोशिश करता हूँ मैं आपको कि बेस्ट ऑप्टिमल अच्छी पढ़ाई वाली कॉलेज मिले। तो कल को, अब तो पहले तो वो ऑप्शन थी अच्छी पढ़ाई करना, अब तो मस्ट है ना। अब वो महाघटिया और बिलो एवरेज कॉलेज में चले गए तो नेक्स्ट पास कैसे होगा? ठीक है, हमसे संपर्क करना आप जानते ही हैं, 9643362320, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। और एज यू नो कि वी वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर यू, सो वी चार्ज इवन टू टॉक एंड वी चार्ज फॉर अवर काउंसलिंग सर्विसेज। और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो भी मिल जाएगा कि हमारा पैकेज कैसे चलता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।